बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं सबकी डिमांड पे बेबी गर्ल्स के ड्रेस डिज़ाइनिंग लेके, ये 1 से 2 2.5 साल की बेबीज पहन सकती हैं। ये हम खुद भी सिलाई कर सकते हैं, खुद करवा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको आइडियाज़ काफ़ी मिल जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल लाइट लाइट डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखें, ये लॉन्ग कॉटन के बने हुए हैं सारे। ये देखें, ये कॉटन पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, चिकनकारी हुई है, तो उसको मैंने फ्रॉक में डिज़ाइन किया और ऊपर वाइट कलर का ही स्टिकर लगाया है एम्ब्रॉयडरी वाला। पूरा पैच ये पेटी पे लग गया है और उसके अंदर एक एक पर्ल लगा दिया, तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये है घर का तैयार किया हुआ। खुद हमने कटिंग की, सिलाई की और आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह गज गज डेढ़ डेढ़ गज में बड़े अच्छे फ्रॉक तैयार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं बचें, ना भी बचें तो लेके। और ये देखें, ये भी लॉन ब्रोशे कपड़ा है और मैंने इसके ऊपर भी ये एम्ब्रॉयडरी जो है पैच लगाया है। एल एन शर्ट बनाई है छोटी सी, 1.5 2 साल की बच्ची को आराम से आ सकती है, और नीचे भी शटर लेस लगा दी है। कुछ ज़्यादा काम नहीं लेकिन खूबसूरत कितना लग रहा है, और ऊपर पैच लगाया है। और ये भी लॉन का ही पीस था। ये देखें, ये बिल्कुल तकरीबन 8 9 माह की बच्ची को ये ज़बरदस्त पूरा आ सकता है। और नीचे फ्रिल बना के लगा ली है, दोनों तरफ से बेबी पीको करवा ली है और उसमें फ्रिल बना ली है, और सिलाई करने के बाद एक बो लगा दी है और बहुत प्यारा लग गया। और ये देखें कितना खूबसूरत रम्पर तैयार किया है मैंने। ये लॉन का ही कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट, ताकि बच्चे जो है गर्मी में आसानी से पहन सकें। तो नीचे से ये शॉर्ट तक आ जाएगा, दरमियान में मैंने इलास्टिक के साथ थोड़ी उसको चुनट दे दी है, आगे से पट्टी बना ली है। उसमें पिंक कलर के ही जो डिज़ाइन कपड़े में प्रिंट है उसी कलर के बीट्स लगा लिए हैं, और पोंचों पे और गले पे लेस लगा ली है, मटर लेस इसको बोलते हैं। और जी आगे ये देखें कितना खूबसूरत अम्ब्रेला फ्रॉक शॉर्ट बनाया है मैंने, और वाइट लेस लगा लिया है, दरमियान में वाइट कलर के ही बटन लगा लिए हैं, नीचे भी वाइट कलर की पाइपिंग दे दी है टिश्यू की, तो साथ इसके ट्यूलप बना लिए। जो फ्रॉक से पीस बचा उसी की पाइपिंग दे के ट्यूलप शलवार बन गई है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, नीचे ट्यूलप और ऊपर शॉर्ट फ्रॉक, तो बेबी बहुत प्यारी लगती हैं चलते वक्त छोटी छोटी। और ये देखें, ये प्रिंट में ही पीस है, ऊपर भी प्रिंट है, ये प्रिंट के पैच बने हुए हैं। इसमें मैंने ऊपर से सिर्फ पट्टी बनाई है, ऊपर बटन लगा दिए हैं स्किन कलर में, और ये जो पैच आपको नज़र आ रहे हैं प्रिंट के अंदर ही हैं, उनको परमानेंट करने के लिए मैंने ऊपर छोटी लैस लगाई है, फैंसी लैस, और नीचे जो है ये अर्गेंजा की लैस लगा दी है। और ये देखें, बिल्कुल लाइट सा कलर है और ऊपर हल्का सा मैंने ग्रीन कलर की उसमें लैस दी है, तो कितना खूबसूरत ड्रेस है। ए लाइन में शर्ट बनाई है, ये तकरीबन 3 4 साल की बच्ची को भी आ सकता है, और साथ कैपरी। और ये देखें, एक बिल्कुल ए लाइन स्ट्रेट सी ये छोटी सी शर्ट बनाई है, ऊपर मैंने स्ट्रेप्स बना दी हैं और कपड़े की फ्रिल लगा के उसके आगे जो है मैंने शटर लैस दे दिए, और साथ कैपरी बनाया, मर्जी है शॉर्ट बना लें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, उम्मीद है कि आपको ये सब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी होगी और ज़रूर आप कॉपी करेंगी। तो छोटे बच्चे घर में होते हैं, उनके आप ज़रूर बनाएं।
वो बहुत कम पीस में बहुत कम खर्चे में बन जाते हैं खुद अगर बनाएं तो। और ये देखें ये फ्रॉक भी बिल्कुल सिंपल सा है, प्रिंटेड है, और मैंने ऑफ वाइट कलर की लेसेस दे दी हैं दोनों, दरमियान में पर लगा दी हैं, और नीचे जो है शटल लिया है ज़रा कट वर्क में लगा दिया है, तो वो कितना नुमाया हो गया ना। ये देखिए ये भी एक पीस था, एक शर्ट से बचा और एक ट्राउज़र से बचा है, ये ट्राउज़र से जो बचा उसकी मैंने ये शर्ट बना ली है, और दरमियान में से जो प्लेन कपड़ा था उस पे छोटे छोटे प्लेट्स दे लिए हैं और उसको राउंड में कटिंग करके ऊपर ये स्टार लेस लगा दी है। नीचे जो है मैंने शॉर्ट बनाई है और उसके नीचे जो है ऑर्गेन्जा की फ्रिल लगा दी है। देखिए कितना खूबसूरत हल्का सा सूट बन गए, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इसके साथ ही मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और दुआ में याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।